प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोला है। कई राज्य स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच त्योहारी सीजन को देखते हुए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है। सितंबर और अक्टूबर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाएं भी जताई जा रही है। खास बात यह है कि स्कूलों को खोलने को लेकर प्रसिद्ध डॉक्टर नरेश त्रेहान ने चिंता जताई है। लेकिन पहले बात करते हैं देश में कोरोना संक्रमण की। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के करीब 45,000 मामले रिपोर्ट किए गए और 460 लोगों की जान चली गई, जबकि 35,840 मरीज रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस की संख्या 3,68,558 है। चिंता की बात यह है कि कुल केस में केरल से 31,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में केरल से 31,265 मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 153 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। एक तरफ भारत में कोरोना केस कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ केरल में लगातार 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहान ने स्कूलों को खोलने पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि हम स्कूल खोलने में हड़बड़ी में हैं, हमारे लिए बच्चों का स्वास्थ्य सबसे पहले होना चाहिए। अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आया है, बिना बच्चों के वैक्सीनेशन के स्कूलों को खोलना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर त्रेहान के मुताबिक भारत में अभी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। यदि कोरोना से बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित होने लगे तो उनकी देखभाल के लिए हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं है। देश की जनसंख्या को देखते हुए हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। डॉक्टर त्रेहान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें कुछ और महीने धैर्य रखना चाहिए। बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाने लगेगी तो बच्चे वैक्सीन की डोज लेकर स्कूल जाएंगे। अभी की स्थिति में स्कूल खोलना खतरनाक हो सकता है। इस अपडेट में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।